बात करें तो थर्ड मैन मिड ऑफ और डीप मिड ऑफ बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात किया गया है। लेफ्ट साइड की बात करें तो डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर खिलाड़ी तैनात हैं, मिड ऑन पे खिलाड़ी तैनात हैं और फाइन लेग पे खिलाड़ी को तैनात किया गया। लेट्स प्ले। पहली गेंद बहुत ही बढ़िया गेंद और दर्शकों ने देखिए, थाना कोपरी के चाहने वालों ने, क्रिकेट के तमाशाइयों ने तालियां बजाकर शुरुआत का उनका हौसला बढ़ाया है। जानते हैं कि हमारे गोकुल धाम की टीम में से ये और सचिन के चाहने वाले भी बहुत हैं। जो भी आपके सवाल थे उनके जवाब एम्पायरों के पास हैं। देखिए मैच में रुकावट न करें, जो भी आपको पूछना है वो जल्द से जल्द पूछें, मैच को चालू रखें, स्टार्ट रखें, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत तेजी के साथ हमारे दरमियान से गुजर रहा है। ठीक है, मैच की शुरुआत करते हैं। दूसरी गेंद लेकर सचिन फिर से तैयार, राइट आर्म गेंदबाज है और इस बार थोड़ी सी हल्की बैठती हुई गेंद थी, उसे हल्के हाथों से खेला था मिड ऑफ की दिशा में, एक ही रन मिलेगा। डिग्ले जूम में गेंद जाती हुई, एक रन। अगली गेंद करने के लिए तैयार फिर से एक बार सचिन, वैभव के लिए। और यहां पर ये देखिए, थोड़ा सा अटपटे मामले से खेलना चाहते थे लेकिन गेंद चार रनों की सीमा रेखा से बाहर निकल गई। वाइड बॉल का इशारा भी आया तो बल पांच रन जुड़ते हुए। ये सारी इस तरीके की गेंदबाजी, बहुत ही नियंत्रण रखना होता है गेंदबाज को कि ऐसे वक्त में, ऐसे मोमेंट में और इतने बड़े टूर्नामेंट में जो आप परफॉर्म कर रहे हैं तो आपकी गेंदबाजी, आपकी नजर विकेटों पर होना चाहिए। आतिश वहां पर फील्डर मौजूद थे, आतिश ने थोड़ा सा दहशत भरी निगाहों से देखा और बल्लेबाज पलट गए, अपनी क्रीज को कवर कर लिया। बहुत अच्छे फील्डरों में से इनका शुमार होता है, नाम से इनकी जो दबदबाहट वो झलकने लगती है। आतिश बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मिड ऑन की दिशा में, वैभव को थोड़ा सा कुछ हद तक तो बांध के रखा है लेकिन वो जो अगर वाइड बॉल ना होती चार रन के साथ तो नतीजा और सूरत हाल कुछ और होता। नौ बॉल का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा, तो रन यहां पर बढ़ेगा ही, रन संख्या पहुंचती हुई सात। अभी भी इस ओवर की दो गेंदें बाकी हैं और देखना यह है कि सचिन के पास ऐसा कौन सी कला है, ऐसे कौन सा हुनर है जिसके लिए पहला ओवर लेकर आए हैं। गेंद काफी देर हवा में, लेकिन देखना होगा यहां पर, यस डायरेक्ट थ्रो आया, स्टंपों से टकराया और बैट नीचे गिरी और बल्लेबाज जो है मैदान से अब बाहर की ओर अग्रसर होते हुए निकलते हुए, तो रन आउट के रूप में विकेट गिरता हुआ। विकेट तो जो होता है किसी भी रूप में गिरे, सफलता तो सफलता ही होती है और ये पहली सफलता मिलती हुई शाम इलेवन की टीम को के सात रन के योग पर एक विकेट उन्होंने अभी तक प्राप्त कर लिया है। नए बल्लेबाज किरण, दोनों ही बल्लेबाज आपस में कुछ सलाह मशवरा, कुछ बातचीत करना चाहते हैं, कुछ कान मंत्र जरूर दिया होगा इस वक्त में वैभव ने किरण को, इस वक्त में करना क्या है कि पिछड़ के तुमसे किसी दूसरे पे मरना है और ये तजुर्बा भी हमें क्रिकेट में ही करना है। सचिन की ये गेंद फिर से एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, ओवर की पहले ओवर की समाप्ति पर सात रन। अगर यहां पर गेंदबाज की बात करें तो इसको वो चौका बहुत खर्रा होगा,
पन्या जिस तरीके से गेंदबाजी की है तो निर्धारित गेंदबाजी की है, समय से मिलते हुए गेंदबाजी की है। और किरण के बाद अब देखना यह है कि किस गेंदबाज के ऊपर कैप्टन इस गेंदबाजी कमान पे लगाते हैं, उसके ऊपर कानों पे जुम्मा रखते हैं। बैट्समैन जो है वो एक ही रन बना है लेकिन एक्स्ट्रा के रूप में 6 रन आए हैं और रन संख्या पहुंच गई 7 रन एक विकेट के नुकसान पर। एचडी पैकर्स और शाम इलेवन की टीम का ये बहुत ही मजबूत मुकाबला, कड़क मुकाबला, संघर्ष गेंद और बल्ले के दरमियान मैच स्टार्ट करें। दूसरे ओवर की गेंदबाजी को लेकर बॉलर नेम बताएं, बॉलर नेम हितेश, हितेश राइट आर्म गेंदबाज, हितेश की पहली गेंद ओवर, वाह क्या बात है। यॉर्कर लाइन की गेंद थी, बल्लेबाज ने बहुत ही संयम के साथ इस शॉट को अंजाम दिया है वरना नजदीकी मामला हो सकता। विकेटों के सामने गेंद जब टिप खा रही थी तो उसकी ऊंचाई के ऊपर हावी हुए बल्लेबाज और उसको एक दिशा दी थी लेकिन रन की वहां कोई गुंजाइश नहीं थी। और ये देखिए क्या बात है, आहा हा, हितेश ने देखिए बोल्ड कर दिया है किरण को, बगैर खाता खोले हुए किरण को ये लौट गए। के आउट होने के बाद अरुण आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, अरुण ने इसे ग्लांस कर दिया है कलाइयों के सहारे एक रन के लिए। रफ्तार रफ्तार रन संख्या बढ़ती हुई लेकिन हितेश की गेंदबाजी की सराहना करनी होगी, किस तरीके से गेंदबाजी की है, छोटे पैकेज में बड़ा धमाका इस वक्त देखने को मिला है, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी। इस उम्र में यह हाल है तो आने वाले वक्त में कुछ मिसाल बनेगा ये गेंदबाज। और एक रन बहुत ही तेज तर्रार कदमों से दौड़कर एक रन पूरा किया है। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग है, देखिए विकेट कीपर किस तरह से अपने आप को झोंक रहे हैं रनों को रोकने के लिए। नो बॉल का इशारा हुआ, रन संख्या बढ़ के पहुंचती है 11 रन, अब जाके स्कोर दो आंकड़ों में बढ़ता हुआ 11 रन बन चुके हैं। और अगर बल्लेबाजों की बात करें तो दोनों ही अब तक के डटे हुए हैं, वैभव और अरुण की ये जोड़ी। वाइट बॉल का इशारा एम्पायर नाशर द्वारा, अपने हाथों को फहराया, हवा में हाथों को हिलाते हुए वाइट का इशारा किया और व्हाइट के अतिरिक्त रन आने की वजह से एक रन और का इजाफा हुआ, एक रन और बढ़ता हुआ। और इस बार कदमों को निकाला, बाहर खेला, दो रन का इशारा आता हुआ एम्पायर द्वारा, बहुत ही जोरदार शॉट था, टाइमिंग अच्छी थी, फुटबॉल अच्छा था, नजर अच्छी थी और तीनों चीजों का अगर मिश्रण हुआ तो नतीजा 2 रन। इस ओवर की आखिरी गेंद लेकर हितेश तैयार है, रनों की बात करें तो 14 रन बन चुके हैं, दूसरा ओवर चल रहा है। हितेश फिर से तैयार गेंदबाजी करने के लिए, राइट आर्म गेंदबाज, फिर से एक बार कदमों का इस्तेमाल किया, तुरंत तुरंत बहुत ही बढ़िया फील्डिंग लेकिन थोड़ा जो था वहां पता पूछता हुआ आया, थोड़े से हड़बड़ा से गए थे थ्रो करने के लिए। इसी के साथ ओवर की समाप्ति हुई, 14 होगा रनों की अगर बात करें, 14 रन बन चुके हैं दो ओवर की समाप्ति पर। दो ओवर की समाप्ति पर रन संख्या की अगर बात करें तो दो अंकों में बक्ति हुई 14 रन। और अब देखना यह है कि तीसरे ओवर की गेंदबाजी करने के लिए आतिश को बुलाया गया है, आतिश की अब यहां पर अग्नि परीक्षा होगी गेंदबाजी के रूप में, जिस तरह से उनके अंदर क्रिकेट भरा हुआ है अब उसको
उसका परफॉर्म करना होगा, उसको दिखाना होगा, उसको उजागर करना होगा, किस तरह की गेंदबाजी करते हैं आतिश। नौ बॉल का इशारा आता हुआ पहली गेंद आतिश की नौ करार दी गई अंपायर द्वारा। रन संख्या बढ़ती हुई 15 रन। अगली गेंद करने के लिए तैयार आतिश। फिर से इस बार नौ बॉल का इशारा आता हुआ और एक रन फिर से, दो रन काउंट किए जाएंगे। रन संख्या बढ़ती हुई 17 रन। यहां पर गेंदबाज को अपना निशाना विकेटों पे बनाना होगा। गेंदबाज की निगाहें, उसकी सोच, उसकी फिक्र यह होना चाहिए कि उसकी गेंद जब भी टकराए तो मिडिल स्टंप से टकराए। मेरे ख्याल से आज उनकी तबीयत थोड़ी सी नाशाद थी और वो कह भी रहे थे कि आज संध्याकाळी मला सांगत होता मला आज ताप आलेला आहे, मी गेंदबाजी नाही करणार, पण त्याला चेंज केले कप्तान स्वयं आले या ठिकाणी गेंदबाजी करायला। कप्तान श्याम आए हैं गेंदबाजी को पूरा करने के लिए। नौ बॉल का इशारा आया। ये जो व्हाइट और नौ का जो सिलसिला जारी है इसको बंद करना होगा। रन संख्या बढ़ती हुई 19 रन। ओ ये विकेट कीपर से चूक हुई, गेंद निकल गई 4 रनों के लिए। 19 और 4 23 रन। ओहो ये पहला मैच है कि इसमें अतिरिक्त के रूप से रन आ रहे हैं, बल्कि बल्ले से तो बहुत कम रन बने हैं। रन बन चुके हैं। अगली गेंद व्हाइट बॉल का इशारा। रन संख्या बढ़ती हुई 24 रन। ऑपरेशन से काफी बाहर निकलती हुई गेंद थी, एम्पायर को कोई संदेह नहीं हुआ उसको व्हाइट देने में। अगली गेंद थी 9 बॉल का इशारा। शाम गेंदबाजी करने के लिए आए हैं लेकिन अभी तक की अपनी जो उनकी रे है, जो उनका रिदम है, उसको नहीं पा रहे। और ये क्रिकेट में और ऐसे बड़े टूर्नामेंट में बहुत जरूरी होता है कि आपके हौसले बुलंद होना चाहिए। फिर से इस बार वाइट बॉल। नौ और वाइट का सिलसिला अभी तक के जारी और शारी। और रनों की अगर बात करें तो सिर्फ 8 रन बल्ले से बने हैं और बाकी के सारे रन जो हैं एक्स्ट्रा के रूप में आए हैं। 26 रन बन चुके हैं। आपस में कुछ सलाह मशवरा, कुछ गुफ्तगू चल रही है। शाम के पास कुछ खिलाड़ी आए और उन्होंने कहा कि अगर 9 बॉल, रन संख्या बढ़ती हुई 27 रन। ये मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट का एक रिकॉर्ड होगा। इस टूर्नामेंट की बात करें तो कल से ये टूर्नामेंट यहां पर चालू हुआ है और कल 34 रन बने थे हाईएस्ट और आज देखना होगा। रन संख्या अभी भी बढ़ती हुई 27 रन पर। काफी देर के बाद राहत की सांस ली कि जब बॉल बल्ले से टकराई और रन की वहां गुंजाइश नहीं थी और शाम चलती है बॉलिंग मार पर। 9 बॉल का इशारा आता हुआ और 2 रन काउंट किए जाएंगे। रन संख्या बढ़ती हुई 29 रन। 29 रन बन चुके हैं। अभी इस ओवर की 4 गेंदें बाकी हैं और सोच जो है वो बढ़ती हुई और सोच गहरी भी हो रही है इस वक्त में कि गेंदबाज ये चाह रहा है। बहुत ही बढ़िया गेंद, जोर के लाइन की गेंद थी इस बार, बहुत ही अच्छा टाइमिंग था, दोनों ही एक दूसरे से कनेक्ट हुए लेकिन फायदा हुआ बल्लेबाज का, वरना बॉल तो जो है अपना मुकाम पा चुकी थी। इस ओवर के भी 3 गेंदें बाकी हैं। अगली गेंद और ये 4 रन।
ये बहुत ही चौका इस पत्र में निकला है कि बस रन 33 रन बन चुके हैं आउट। यहां पर बल्लेबाज ने अपना आपा खो दिया है। यहां खड़े खड़े रन बन रहे थे तो वहां थोड़ा सा जल्दबाजी करने की जरूरत तो नहीं थी, लेकिन बल्लेबाज में एक सोच रहती है, उसकी अपनी एक खेलने का अंदाज रहता आधा रहती है और उसी के एतवार से वो निकल पड़े थे। और यहां पर दिनेश ने बगैर कोई गलती किए हुए बैट्समैन को बिखेर दिया और यहां पर विकेट का पतन होता हुआ। अभी भी इस ओवर की आखिरी गेंद आना बाकी है और रनों की अगर बात करें 33 रन और नए बल्लेबाज आए हैं नंदू। अरुण जो है अभी अभी आउट होकर लौटे हैं और अब नए बल्लेबाज नंदू। अब देखना यह है कि ये क्रिकेट का कितना है बंधु। हमारे सभी बंधु बैठे हुए हैं। एक ही रन मिलेगा यहां पर। इसी के साथ ओवर की समाप्ति और तीन ओवर की समाप्ति पर अगर स्कोर की बात करें तो 34 रन 34 रन बन चुके हैं, जिसमें बल्ले से निकले हुए रन जो हैं देखिए इस टूर्नामेंट में। अभी हमने देखा था इससे पहले वाले मैच में सर के 19 रन बने थे और उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ली थी तो उनका कॉन्फिडेंस इतना हाई लेवल पे था कि उन्होंने उसके एतवार से गेंदबाजी की और यहां पर इस कैप्टन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी ली है और इसकी तीन ओवर की समाप्ति पर रन संख्या जो है ये और एक चौका और नौ बॉल का इशारा भी आया और 5 रन जुड़ेंगे 46। अरे क्या कमी रह गई थी जो आज उसको पूरा कर दिया। साल भर के रन एक ही मैच में दे दिए। अगली गेंद वो देख रहा होगा यहां पर, लेकिन बहुत ही भाग्य ने साथ दिया इस बत में के फाइन लेग पर खिलाड़ी खड़े थे। अब ये खिलाड़ी जो हैं रन यकीनन लगता है कि 50 रन स्कोर करेंगे ये बल्लेबाज और ये सिंगल रन यहां पर खड़े खड़े क्या नजाकत भरा शॉट खेला है कि एक रन तो आने आना है और राहत भी मिलेगी सांस भी लेंगे। रन संख्या बढ़ती हुई 48 रन 48 रन बन चुके हैं। हाँ क्या बात है। यस आउट। नए बल्लेबाज सौरव और रनों की बात करें तो 48 रन बन चुके हैं। और लास्ट ओवर चालू है। लास्ट गेंद इस ओवर की आखिरी गेंद बाकी है। ओहो काफी महंगे साबित हुए शाम के गेंदबाज। फिर इसी की
के साथ साथ ये चार ओवर का जो गेंदबाजी कोठा था ये भी पूरा होता हुआ और 48 रन बनाए हैं। जीत के लिए जो लक्ष्य है वो 49 रनों का है, 49 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए। 11.99 शून्य का उत्तर है। तो रनों के लक्ष्य की बात करते चलते मैदान के अंदर नजर डालते हैं कि 49 रन है, हालांकि मुश्किल कुछ भी नहीं है और क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है और इस खेल के फैसले आखिरी गेंद तक आते हैं। पहले गेंद से इरादे जाहिर करते हुए लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग मिड ऑन बाउंड्री की दिशा में। और मैं बता हाईएस्ट बन गया है आज, 48 रन बने हैं आज के इस मैच में और 49 रनों का लक्ष्य रखा है शाम इलेवन के सामने। रमेश और दिनेश की ये जोड़ी काफी सोच गहरी होगी इस वक्त में और अगर चार पांच बड़े शॉट लगते हैं जैसे कि तुमने खाया था वैसा खिलाते हो तो बस तुम्हारी नैया पार है नहीं तो आरंभ पार है। क्योंकि हौसले जंग की बुनियाद हुआ करते हैं और कांपते हाथों से तलवार उठाई नहीं जाती। अभी एक पारी हुई है और उसी पारी में ये दुर्घटना सी घट गई कि रमेश आउट होकर लौट रहे हैं। और अब नए बल्लेबाज शाम जो कि कैप्टन है, काफी बड़ी जिम्मेदारी उनके कानों पर। यदि अगर वो मैच को जिता के लाते हैं तो ये यकीनन एक रिकॉर्ड होगा। बहुत ही बढ़िया, लेकिन खिलाड़ी वहां मौजूद थे थर्ड मैन की दिशा में, गेंद को अच्छी सफाई के साथ फील्ड किया है, रन की कोई गुंजाइश नहीं थी। और इस बार फिर से बल्ले की जड़ में टकराती हुई गेंद, दो रनों का इशारा आता हुआ ओवर की समाप्ति।
पहले ओवर की समाप्ति पर रन संख्या यहां दर्शाती हुई 4 रन। और पहले ओवर में सामने वाली ब्रोली टीम के रन थे वो थे 7 और यहां पर रन है 4। गेंदों में 45 रन चाहिए मैच को जीतने के लिए। मुमकिन नहीं है तो नामुमकिन भी नहीं है, अगर 4-5 चौके लग गए तो बस समझ लो दिनेश इसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं और ये ग्राउंड का जो विकेट है उनको काफी जानकारी है इसके बारे में, फांपा हुआ है परखा हुआ है। लेकिन यहां पर एक चूक हो गई, एक भूल हो गई उनसे कि गेंद को पूरी तरह पढ़ नहीं पाए और यहां पर लेग स्टंप गिर गया और एम्पायर के इशारे का इंतजार करते हुए ग्राउंड से बाहर हो गए। किरण ने देखिए किरण की जो किरणें थी और अब नए बल्लेबाज आतिश गेंदबाजी में जो रिटायर हुए थे लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं, अब ये तो वक्त ही बताएगा वो क्या करते हैं। किरण है गेंदबाज, 9 बॉल का इशारा। संयम और संघर्ष जो है साथ चलना चाहिए। किरण जो है कि बाएं हाथ के गेंदबाज, बहुत ही बढ़िया गेंद थी, और लाइन की गेंद थी, हल्के हाथों से उसे पुश किया लेकिन यहां पर बहुत ही तेज तर्रार कदमों से रन पूरा किया है शाम ने, क्योंकि डेंजर एंड पे घूम रहे थे शाम। रन संख्या बढ़ती हुई 7 रन। और मैच में देखिए हार जीत का सवाल नहीं है, यहां पर जो रोमांच हो रहा है, जो लोग मुस्कुरा रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं वो बड़ी कीमती चीज है। नो बॉल का इशारा हुआ एम्पायर द्वारा। रन संख्या की बात करते हैं कि रन संख्या रफ्ता रफ्ता बढ़ती हुई। अंपायर एक कदम आगे बाहर निकाल के हाफ बल्ले पे लेके ड्राइव करना चाहते थे शाम, लेकिन गेंद की लाइन में नहीं आए। इस ओवर की अभी भी 2 गेंदें बाकी हैं और रनों की बात करें तो रन संख्या रफ्ता रफ्ता जो है गेंदबाजी के पक्ष में मैच झुकता हुआ, हालांकि पल्ला पहले से ही भारी था, 80 और 20 का फर्क मुझे नजर आ रहा था, लेकिन अब यह फर्क है रफ्ता रफ्ता और ज्यादा, ये दर्द और ये जख्म और गहरा होता हुआ नजर आ रहा है। किरण की अगली गेंद बहुत ही बढ़िया, जो डीजे ऑपरेटर है वो आज बहुत ही मूड में है और बहुत ही सुंदर सुंदर सॉन्ग सुना रहे हैं और सुनने वाले भी वहां बैठे हैं और मजा भी आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है। 3rd ओवर की पहली गेंद और उनको बुलाया है गेंदबाजी के लिए और अनुभव सामना करने के लिए तैयार है आतिश। और इस बार बल्ले का बाहरी किनारा लगता हुआ और इसी के साथ ये रन आउट के रूप में विकेट का पतन होता हुआ। जवाब अगली गेंद और इसी के साथ ये विकेट का पतन।
अब विकेट जो है इस तरीके से झड़ रहे हैं जैसे पंजाब में झाड़ के पत्ते झड़ते हैं। एक मिनट को अभी नॉन स्टैक पर खड़े हैं आतिश और रफ्ता रफ्ता अब ये जो फेर बदल का फर्क है ये बहुत गहरा होता जा रहा है। यस एम्पायर की उंगली हवा में और बल्लेबाज अब ग्राउंड से बाहर होते हुए और तकरीबन अब इस मैच में जो है और चाहता है हैट्रिक बॉल है और हो सकता है यहां पर हैट्रिक हो जाए क्योंकि गेंदबाजी की जो कमान है एक रन इस ओवर के भी एक गेंद बाकी है। तीसरा ओवर चल रहा है और रनों की अगर बात करें 16 रन और इसी के साथ ओवर की समाप्ति रन संख्या बढ़ती हुई 17 रन और ओवर की समाप्ति। तो इस तरह से अभी आन बान बाकी है हमारे गांव का टूटा मकान बाकी है बुलंदियों पर पहुंचकर कभी गुरूर मत करना तुम्हारे सफर का भी ढलान बाकी है। तो सफर जो था वो गेंदबाजी के पक्ष में गया है और जिस तरह से वो हावी हुए बल्लेबाजों पर बिल्कुल ये कहना पड़ेगा कि बहुत ही जो संयम था जो क्रिकेट में एक्चुअली होता क्या है कि नियम होते हैं बल्लेबाज की एक सोच होती है दिल की धड़कन के साथ उसकी सोच और फिक्र जो चलती है उसका बहुत ही आनंद लेना चाहिए और दर्शक उसी बात का आज आनंद ले रहे हैं खुश हो रहे हैं। इसी दरमियान हमारे दोस्त हमारे मित्र नितिन पगाड़े और सुनौटी जी भी मैदान में आ चुके हैं उनका हार्दिक स्वागत। पीछे हटकर जगह बनाने खेलने का प्रयास किया था लेकिन गेंद को पूरी तरह समझ नहीं पाए। चौथे ओवर की शुरुआत हो चुकी है और इसी के साथ ये आतिश की जो आतिशी पारी थी वो भी खत्म हो गई। आखिरी जोड़ी यहाँ पर ये जो पारी की घोषणा कर दी गई है कि आपकी पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। थैंक यू भैया। और अब हम चलते हैं मैच की ओर और मैं आवाज दूंगा अरुण को और अरुण को मैन ऑफ द मैच का मेडल प्रदान करने के लिए मैं आवाज दूंगा हमारे श्री रविंद्र जी गांगुली साहब को मैं आवाज दूंगा कि मैन ऑफ द मैच का मेडल खिलाड़ी को दें और फिर जाएं। रविंद्र जी प्लीज प्लीज अरुण मैन ऑफ द मैच के मेडल के लिए प्लीज जरा ऊपर आ जाइए अरुण प्लीज ऊपर आ जाइए।